हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, आज मैं और एक सीनरी पेंटिंग लेके आया हूँ, तो आप एंजॉय करिए वीडियो को। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्केच कर देना है आपको। देखिए, मैंने पर्शियन ब्लू और एक्वा ग्रीन कलर लिया हुआ है। फिर थोड़ा मैं मिक्स कर लेता हूँ वाइट के साथ, थोड़ा लाइट बनाते थे, ज़्यादा स्काई को डार्क नहीं करना। स्काई का पोर्शन जितने में उतने में ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ही। ये यहाँ पे एक माउंटेन था जो मैंने ड्रॉ किया था, हम मजेंटा और पोर्शन ब्लू कलर मिक्स करके और उसमें वाइट ऐड करके देखो क्या करना। थोड़ा ग्रेश बनाते हैं, उसे ब्लैक ऐड करते हैं। फिर देखो, ऐसे ब्रश, मैंने फ्लैट ब्रश ली हुई है, इसमें मैंने ऐसे क्रॉस पकड़ा हुआ है। ये लेफ्ट साइड में जाते हुए हम थोड़ा उसे लाइट करते हैं। यहाँ पे एक डार्क लाइन बना देते हैं। वाले पोर्शन पे हम वाटर रिवल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, थोड़ा लाइट लेते हैं यहाँ से। उसमें हम ब्राउन और थोड़ा वाइट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे प्लेन ऐसे बना देते हैं अभी, ठीक है, कुछ ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
अभी देखिए मैंने पर्शियन ब्लू और लेमन येलो मिक्स करके ये डार्क ग्रीन कलर बनाया है जो हम ट्रीज बनाएंगे, ये जो माउंटेन है ना उसके ऊपर। तो क्या करना है, मैंने स्पॉन्ज ले रहा हूँ, देखो उसे कहीं कहीं पे हम अलग अलग कलर्स के ट्रीज बनाने की ट्राई करते हैं। और थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, ये आप ब्रश से भी कर सकते हो। ओके, अभी जहाँ पे मैंने लाइट ब्लू किया था वहाँ पे मैं लाइट पिंक कलर से ऐसे हाइलाइट्स दे रहा हूँ, ऐसे दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पे ट्रीज है बहुत सारे पिंक कलर के। ओके, अभी ये वाले माउंटेन पे जो ट्री है वो सारे ट्री के लेफ्ट साइड में हमें थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स देनी है। ओके, अगर कम लगे तो वापस हम उसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पिंक में लाइट पिंक ज़्यादा, वाइट ऐड करके, ग्रीन में भी वाइट ऐड करके ज़्यादा, और अगर ये हम येलो ट्री बना रहे हैं तो उसमें भी हम थोड़ा येलो ऐड करके फिर लास्ट में वाइट ऐड करके ज़्यादा हाईलाइट देंगे। ओके, जिससे कि लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है तो उस साइड में ज़्यादा लाइट दिखे। किस तरीके से बना सकते हो, अभी ऊपर ये वाले माउंटेन में थोड़ा टचअप कर लेते हैं, वाइट ऐड करो येलो और ग्रीन में मिक्स करके से कहीं कहीं पे हम हाईलाइट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पे मैंने व्हाइट ऐड करके ब्लू में से लाइट कर दिया है थोड़ा। ओके दोस्तों, तो इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो रफ ट्रीज दिख रहे हैं ना वहाँ पे हम और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हम येलो कलर थोड़ा एक्वा ग्रीन कलर मैंने यूज़ किया जिससे कि
लाइट ग्रीन एकदम बन जाएगा। ओके तो देखते हैं, फोरग्राउंड में ट्री बनाने जा रहे हैं, तो मैंने मॉजेंटा और मरून कलर थोड़ा मिक्स किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फिर क्या करना है, ये साइड में जाते हम थोड़ा पिंक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मरून और लाइट पिंक दोनों यूज़ कर रहा हूँ एक साथ में। आपको ब्रश के स्ट्रोक ऐसे करने हैं जैसे कि लीफ के ऐसे पैटर्न लगे, ठीक है, आगे जाते हुए बाहर निकलते हुए एकदम शार्प जैसे, और स्पेस भी छोड़नी है। मैं आगे भी आपको बोलता रहा हूँ कि ऐसे स्पेस रखनी है थोड़ी, जिससे कि बैकग्राउंड भी दिखे थोड़ा, ऐसे पूरा ब्लॉक नहीं कर देना है, ठीक है। ओके थोड़ा ब्लैक मिक्स कर गए हैं कहीं कहीं वैसे कर देते हैं। ओके अभी हम लोग ट्रंक बना लेते हैं, ब्लैक कलर यूज करेंगे हम।
थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करते हैं ट्रीज में। थोड़ा ब्लैक और ब्राउन मिक्स किया है मैंने। चलो अभी मरून एंड व्हाइट कलर मिक्स करके वापस थोड़ा ऊपर करते हैं। पहले थोड़ा डार्क से ही कर लेते हैं। पिंक में और ज़्यादा वाइट लो और कहीं कहीं पे आप देख सकते हो। ऐसे कर लो। ओके ये ग्राउंड पे हम कर रहे हैं अभी ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके डार्क कलर में बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। ऐसे करना है। ये साइड में थोड़ा ग्रास जैसे कर देते हैं। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, आगे जाते हुए उसे छोटा बना दो एकदम। ओके ये देखो। चलो अभी लाइट कलर लेते हैं, मतलब येलो कलर ही लेते हैं, थोड़ा लाइट ग्रीन बनाते हैं येलो कलर लेके। तो अभी कहाँ पे करना है देखो, इसकी एज पे, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे हम कुछ लीफ नीचे गिरे हैं वैसा बनाते हैं, कोई डार्क कलर कोई लाइट, ऐसे ऐसे बना लेना।
वाटर में हम थोड़ा वाइट से इफेक्ट देते हैं, ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे करना है देखो आप, ट्री से उनका शेडो देते हैं, पानी में रिफ्लेक्शन बनाते हैं थोड़ा। ये देखो ट्वेल्व ओल्ड ब्रश लिया है मैंने, अभी मैं स्ट्रोक्स कर रहा हूँ बस, ऐसे कहीं कहीं पे